4. Everybody has got module 4, fractions. कल भी हम ओके फ्रैक्शंस का किया था, वो थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसमें स्टेटमेंट क्वेश्चंस ज्यादा हैं आपके, तो उनको कैसे डील करना है दैट विल बी स्टार्टिंग टुडे. ओके बेटा, ओपन योर नोटबुक्स, टेक आउट योर पेंस, सेटल डाउन फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स. यस बच्चे, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू सेटल डाउन. वेरी गुड. एक बार अपना पेन, रजिस्टर और नोटबुक जो भी है आपके पास ओपन करके सेटल डाउन फास्ट. सब बाकी सब कुछ बैग में डाल दो, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए. टेबल के ऊपर आपकी वर्कशीट होनी चाहिए, नोटबुक और पेन, दैट्स इट, सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट फुली ऑन द क्वेश्चन. ओके बच्चे, एंड वन थिंग मोर, मैं जिसका नेम बोलूंगी सिर्फ उसी ने हैंड रेज करके खड़े होके मेरे को रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि मेरे को आपका फेस भी देखना है. ओके, आई वॉन्ट टू सी द फेस ऑफ द चाइल्ड जिसको मैं क्वेश्चन पूछूंगी. ऑल राइट, चल वी स्टार्ट बेटा. मॉड्यूल 4, फ्रैक्शंस. या फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एमसीक्यू क्वेश्चंस. आपको पता है हमने कल किया था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन. एंड इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू कि जब भी किसी क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन आ जाता है प्लीज उसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो. ठीक है, जब आपने फ्रैक्शन चैप्टर फर्स्ट टाइम रीड किया था तो आपके पास जैसे भी अपॉन वाले क्वेश्चन आए थे आपको लगा था कि 4/5 है या फिर 6/9 है, कुछ भी ऐसे नंबर्स है, 6/10 है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज नंबर्स लगते थे. ठीक है, अभी आप उनको सॉल्व करना आपको समझ आ गया कि कैसे उसको फ्रैक्शंस को डील करना है. अभी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन शुरू हो गए हैं, 3/4/5, 2/6/10. ठीक है, अब आपको कल आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, सॉरी, आपने मिक्स को भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया. ठीक है, तो जो भी हमारी स्टेट आती है क्वेश्चन की, जैसी भी स्टेट है, हमने उसको सिंप्लीफाई की फॉर्म में लेके आना है बेसिकली. ओके, जैसे जैसे उसको सिंपल करते जाओगे वैसे वैसे आप आंसर के ही पास आते जाओगे. इज इट ओके बच्चे? चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी पीसेस ऑफ इक्वल साइज कैन बी कट फ्रॉम अ रोप ऑफ 30 मीटर लॉन्ग, ईच मेजरिंग 3/3/4 मीटर्स. मैंने आपको बोला था कि जब भी आपके पास स्टेटमेंट क्वेश्चन आती है वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल विजुअलाइज इट. उसको जल्दी से एक छोटी सी फिगर बना लो कि हमें क्या गिवन है. वन रोप इज गिवन जिसकी 30 मीटर लेंथ है हमारे पास. ओके बेटा, वी हैव टू कट इक्वल पीसेस, मीन्स वी हैव टू डिवाइड दिस रोप इन टू इक्वल पीसेस. और हमें ये भी दिया हुआ है कि सबकी मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए. सॉरी बेटा, 3/3/4 मीटर्स. ओके, सो दे आर आस्किंग अस हाउ मेनी पीसेस. हाउ मेनी पीसेस? पीसेस सी, कई बच्चे बहुत जल्दी रिप्लाई कर देते हैं एंड आई वॉन्ट टू सी ऑल द चिल्ड्रन डूइंग इट, आई वॉन्ट टू सी ऑल द चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग इट. ठीक है, जिसको भी आंसर पता चल जाता है प्लीज वेट फॉर मी टू आस्क. ओके बच्चे, जब तक मैं आपसे नहीं पूछूंगी आंसर आपने रिप्लाई नहीं करना, क्योंकि काफी बच्चे अभी क्वेश्चन रीड कर रहे हैं और वो करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन को डिस्कस करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी बच्चों को भी अंडरस्टैंड करना है. सो वॉट टू डू, 30 मीटर हमारे पास लेंथ है और सबके मेजरमेंट है 3/3/4 मीटर. सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो. 4 इज 12 एंड प्लस 3 15 13/4. बाय एंड यू नो वी आर डिवाइडिंग इट, पूरी 30 मीटर को हमने डिवाइड किया, तो इट विल बी 15/4. ओके, तो जब पीसेस
8 pieces. We can do like this, 30 into 4 by 15. आपको पता है जब भी हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन हमारे पास डिनोमिनेटर में आता है, जब हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम डिनोमिनेटर को रिवर्स कर देते हैं. डिनोमिनेटर में हमारे पास पूरा ये है तो इसको हमने रिवर्स करके और साथ में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया. यू नो हाउ टू डील विद डिविजन ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, वेरी गुड. जो नीचे वाला नंबर होता है उसको, जैसे 3 1/5 है, इसको अगर मैंने डिवाइडेड बाय हमारे पास 6 है तो मैं क्या करूंगी, इसको 1/5 इंटू 1/6 मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, साथ में उसको रिवर्स कर देते हैं. ओके बेटा, सो आंसर इज 8. व्हेन यू सॉल्व दिस, कट इट, इनको काटोगे, ठीक है. 15 का टेबल सबको आता है, यू आर इन 7th क्लास, यू नो 15 टू जा 30, 4 टू जा 8, सो दिस इज आंसर. ओके, लेट अस रीड नेक्स्ट बेटा. सेकेंड क्वेश्चन इज, बाय व्हाट नंबर शुड 1 3/4 बी डिवाइडेड. ओके, अंडरस्टैंड इट, दे आर आस्किंग 1 3/4 बाय व्हाट नंबर इट शुड बी डिवाइडेड. पहले हमने अपनी इमेजिनेशन विजुअलाइज करना है कि वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है. ऊपर आपने सबसे ऊपर अपनी समरी बना लेनी है कि दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट टू गेट टू टू 1/2. टू गेट मतलब आपके पास आंसर ये आना चाहिए. ओके बेटे, तो वही सेम चीज है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिवाइड करते हैं हम उसको मल्टीप्लीकेशन के साइन में कन्वर्ट करते हैं और साथ में उसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है. तो व्हाट वुड यू राइट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. व्हिच ऑप्शन? बी ऑप्शन. नो दिस इज रॉन्ग, लेट मी कॉल द नेम्स एंड देन आई विल सी कि कौन रिप्लाई कर रहा है मेरे को. जस्ट करन, सेवंथ सी, आई वांट टू आस्क फ्रॉम सेवंथ सी, जस्ट करन प्लीज कम, सेवंथ सी, वेरी गुड, आगे आ जाओ बेटे, कम फॉरवर्ड. मैम डी ऑप्शन. डी ऑप्शन, हाउ, मेरे को मेथड बताओगे. यू आर जस्ट करण बेटा, योर नेम इज जस्ट करण. यस, वेरी गुड. ओके, प्लीज टेल मी क्या किया आपने, स्टेप के बाद क्या किया. टेल मी, आपको आपको मेथड पता होगा ना, तभी तो आंसर निकाला है आपने. मैम कैन आई. बेटा सी, जब आप मेरे को आंसर बताते हो ना, ये मत सोचो कि अब हमने किसी से सुन लिया और वहां पे मार्क कर दिया. आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आपने टिक मार्क कर दिया और आपको आंसर पता चल गया और मार्क्स मिल गए. आपका पर्पस है टू अंडरस्टैंड इट. यही सेम चीज आप कहीं कितने क्वेश्चन में अप्लाई करोगे. जस्ट करण, यू नो बेटा कैसे आया ये आंसर, कैसे आया डी ऑप्शन, कैसे आई आपको पता है. ओके ओके, गो बैक गो बैक, अब ध्यान से सुनो. आपको अंडरस्टैंड, मैं दोबारा बुलाऊंगी आपको बेटा, अंडरस्टैंड इट कि कैसे आया. सबसे पहले हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. 4 1 4 4 एंड 3 7, 7/4 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू, इसको भी हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देना, 2 2 4 एंड 1 5 5/2. ओके बेटा, सबसे पहला हमारा काम होता है मिक्स को हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने डिविजन साइन को वहां से खत्म करना है. वो कैसे करेंगे, 7/4 इंटू 1/x इज इक्वल टू 5/2. हमने ये नहीं देखना कि हम x को कर रहे हैं रिवर्स या किसी और नंबर को कर रहे हैं, आपको बस ये देखना है कि जो भी नंबर डिवीजन के बाद है उसको मैंने रेसिप्रोकल करना है और साथ के साथ हमने डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन साइन में कन्वर्ट कर देना है. दो काम आपने करने हैं साइमल्टेनियसली, इकट्ठे के इकट्ठे मतलब करने. जैसे ही साइन चेंज किया वैसे ही उसको रिवर्स भी कर दिया. रिवर्स करना सबको आता है, रेसिप्रोकल आप बोलते हो, रिवर्स बोलते हो, कुछ भी बोलो, दे हैव द सेम मीनिंग. ओके बेटा, दिस स्टेप इज क्लियर. अभी हमारा पर्पस है एक्स को निकालना, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, 7/4x इज इक्वल टू 5/2. अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4 5 20 20x. अब ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो गया है और x आप निकाल सकते हो. यू कैन फाइंड आउट x इज इक्वल टू, मैं यहां से इधर कन्वर्ट कर रही हूँ इसको, x इज इक्वल टू 14/20. ठीक है, आपका यहां से क्वेश्चन यहां से शुरू होके यहां तक ठीक होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर यहां पे मिस्टेक होगी तो देन आपका आगे चल ही नहीं पाओगे आप.
देखा आपने कितने स्टेप्स फॉलो कर रहे करने पड़ रहे हैं। इमीडिएटली आपने डी आंसर बता दिया बट आपको ये नहीं पता कि कैसे किया है, तो दैट इज रॉन्ग। ओके बेटा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, यू नो द टेबल, टू के टेबल से कर लो, 7 2 14 एंड 10 2 20, 7/10। अभी आप बता सकते हो कि ये डी ऑप्शन आ रही है इसकी। नाउ इट इज करेक्ट। नाउ जस्ट करण, योर आंसर वॉज करेक्ट बेटा। तो आपको समझ आइए कि कैसे आया था ये क्वेश्चन, आंसर कैसे आया था ये बोलो, 7/10। आई विल कॉल जस्ट करण वंस अगेन। जस्ट करण आ गया हो बेटा 1 मिनट के लिए। वेरी गुड। अब आपको समझ आइए बेटे कैसे किया है। ओके वेरी गुड वेरी गुड, गो बैक। कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो मेरे से, फिर मैं दोबारा बुलाऊंगी आपको बेटा एक बार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे आगे भी आ रहे हैं। नो ओके वेरी गुड। यस मैम, इसमें मैम हमने 7/4 माइनस एक्स क्यू किया है मैम, वहां पर हम डिवाइड था, हम मल्टीप्लाई करना खड़े होके बोलो बेटा, कौन पूछ रहे हैं? यस, 7th F से पूछ रहे हो ना, आई कैन सी यू स्टैंडिंग। है। यस प्लीज आस्क मी, क्या पूछ रहे हो बेटा? जो 7/4 है उसमें माइनस क्यू लिखा है, हम डिवाइड नहीं आना था। ये माइनस नहीं है बेटा, ये डिवीजन का साइन है, ये डिवीजन है, ये भी डिवीजन है ना, डॉट देख रहे हो आप, दिस इज डिवीजन साइन। और फिर हमने जब इसको रिवर्स किया एक्स को, साथ में उसको डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। इज इट क्लियरली सीन, डिवीजन से लेके हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन में कन्वर्ट किया है। दिस स्टेप इज क्लियर। यस मैम, आंसर बी ऑप्शन है। 1 मिनट, अभी देखते हैं वो ऑप्शन, हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे देखो। आपको कोई डाउट लग रहा है? 7/4 × 1/x इज इक्वल टू 5/2, देन 7/4x इज इक्वल टू 5/2। फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 2 14 और इधर ये उधर चला गया, 4 5 20 एक्स। फिर हमने जब एक्स की वैल्यू निकालो तो ये 14/20 आ रहा है, और जब हमने काटा तो ये 7/10 आ रहा है। तो 7/10 अभी देखो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, डी मैम डी मैम, से मैच कर रही है, तो डी हमारा आंसर होगा। ठीक है, आपको किसने बोला कि बी आएगा आंसर? इन्हें डिवाइड कर कर देखे तो आंसर हाँ, यू मीन टू से कि अगर हम इसको 7/4 को अगर हम डिवाइड करें 7/10 से, तो आंसर हमारे पास 5/2 आना चाहिए, यही मतलब हुआ ना आपका? आपके कहने का मतलब ये है, इज इट, यस कि अगर हम चेक करें तो यही आंसर आना चाहिए। तो ठीक है, लेट अस चेक इट, इसको चेक करते हैं कि ये आंसर आता है कि नहीं। अब हमारे पास सेम प्रॉब्लम है, हम इसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे, डिवीजन को तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो साथ के साथ इसको रिवर्स भी कर देंगे। ठीक है, सेम चीज हमने वहां की थी, इज इक्वल टू 5/2, लेट अस चेक कि वो 5/2 आता है कि नहीं। ओके, तो 7 से 7 कट गया, 2 की टेबल से 2 2 4, 5 2 10, तो दिस इज ऑल्सो 5/2, दिस इज ऑल्सो 5/2, तो इट मीन्स आर आंसर इज करेक्ट। आपने चेकिंग भी कर लिया, इज इट फाइन नाउ? यस किसी को अभी डाउट है? इन क्वेश्चंस में मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चे एक मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं लेकिन इसको रिवर्स नहीं करते हैं। प्लीज रिमेम्बर, हमने दोनों को इकट्ठा ही करना है। ओके बच्चे, चलो आगे चलते हैं, आगे और भी ऐसे ऐसे वाले सेम क्वेश्चन और भी आने वाले हैं। फाइन, थर्ड क्वेश्चन। 1800 पीपल, प्लीज रीड इन द शीट, 1800 पीपल अटेंडेड अ वेडिंग रिसेप्शन। ओके, दिस इज फर्स्ट सेंटेंस, इट मींस टोटल पीपल कितने हैं? 1800। जैसे जैसे हमें कुछ पता चलता जा रहा है उसको फटाफट से लिखते जाओ नोटबुक में, क्योंकि हमने उसको यूज करना है। टोटल पीपल हमारे पास कितने हैं? 1800। ओके, 7/18 ऑफ देम वर मेन, हाउ मेनी वर मेन? लेट अस राइट डाउन, 7/18 ऑफ 1800। इस सेंटेंस से मेरे को यही पता चल रहा है ना, फ्रैक्शन ऑफ मेन कितने थे उसमें? 7/18। किसके? टोटल पीपल के। तो मैंने ये खुद सेंटेंस लिख लिया, 7/18 ऑफ 1800। ओके बच्चे, नेक्स्ट इज,
11 by 24 of them were ladies. So how many were ladies? They were 11 by 24. वो भी किसके? टोटल के. ठीक है, आपके स्टेटमेंट जो क्वेश्चन थे उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया. कल आपको याद होगा हमने जो assertion वाले क्वेश्चन किए थे उसमें एक ऑफ वाला क्वेश्चन भी आया था कि जब भी ऑफ आता है हम उसमें मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं. डू यू रिमेम्बर? यस. ओके, प्लीज राइट इट डाउन इन मैथमेटिकल फॉर्म इन टू 1800. और इसको लिखोगे 11 बाई 24 इंटू 1800. हमने क्या किया, जो ऑफ था धीरे धीरे हम पता है सारे सेंटेंस को मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आ रहे हैं, नंबर की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में. अब हमने ऑफ को भी खत्म कर दिया, ये ऑफ हमें थोड़ा ट्रबल कर रहा था, उसको भी हमने मैथमेटिकल फॉर्म में मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन अभी इजी हो जाएगी. जैसे जैसे इसको छोटा बनाते जाओगे तो द रिमेनिंग वर चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंट? अभी थ्री काइंड ऑफ पीपल आर देयर, मेन, लेडीज एंड चिल्ड्रन. ओके, अब जैसे ही आपको मेन और लेडीज का नंबर पता चलेगा कितने मेन थे कितनी लेडीज थी, आपके पास चिल्ड्रन भी आ जाएंगे. इज इट और नॉट? टोटल में से माइनस करके. तो हमें ये पता लगाना है कि हाउ मेनी मेन वर देयर, नंबर फाइंड आउट करना है. फ्रैक्शन तो हमें पता है 7/18 है, लेकिन नंबर नहीं पता है. तो नंबर निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे. कैन यू सी दिस इज वेरी वेरी सिंपल नंबर. ये भी 18 है और ये भी 1800 है, एक जैसे लग रही है वो नंबर्स. यू कैन कट इट डायरेक्टली, 18 वन्स आर एंड 100 इज 1800. कई बच्चे इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, 2 का टेबल लगाएंगे क्योंकि दोनों इवन नंबर है. वो आप छोटी क्लासेस में करते थे. ओके, नाउ लर्न न्यू मेथड्स. शॉर्टकट मेथड आपको आने चाहिए. एंड आई थिंक इसमें 18 का टेबल आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सामने ही लग रहा है कि 18 वन्स आर 18, 1800 आर 1800. ओके, तो ये हो गया. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मेन, हु विल टेल मी नंबर ऑफ मेन? क्या नहीं आज 7B में से रंजीत सिंह 700. 7B, ये सारे रंजीत सिंह हैं. 7B में से रंजीत सिंह ओनली. यस, वेरी गुड, ही इज कमिंग. नंबर ऑफ मेन कितने आएंगे? वेरी गुड, बोलो बोलो. 700. 7 × 100 इज 700. वेरी गुड. ओके, सिमिलरली हमने नंबर ऑफ लेडीज भी निकालना है. तो नंबर ऑफ लेडीज निकालो, इसको कटिंग करो इसकी. 11 बाय 24 इंटू 1800. हाउ मेनी लेडीज वर देयर? जल्दी से बताओ मेरे को कैलकुलेट करके. अब कटिंग करनी सबको आती है, टेबल आते हैं छोटे छोटे टेबल, अपना चाहे 2 से काटो चाहे 8 के टेबल से काटो. जो इंटेलिजेंट हो गए थोड़ा सा वो 8 के टेबल से भी काट लेंगे इसको जल्दी से, 4 के टेबल से भी काट सकते हो, 6 के टेबल से भी काट सकते हो. प्लीज ट्राई इट. नंबर ऑफ लेडीज आपने निकालने हैं अभी, है ना? उसके बाद हम माइनस करेंगे. सिक्स का टेबल आता है सबको. 6 × 3 = 825. 800. लेट अस सी, इसको भी आप काट सकते हो, 4 के टेबल से काट सकते हो. ठीक है, 7 × 4 = 28 एंड 7 × 5 = 4, 5 = 20. ओके, 75 × 11 कितना आ रहा है बेटा? 825. ओके, सबको करने दो, मल्टीप्लाई करनी सबको आती है. 11 की ऐसे कई बच्चे ओरली कर लेते हैं इसको. आई विल वेट फॉर अदर चिल्ड्रन टू कंप्लीट. यस, you have to do 11 × 75. किस किसने कर लिया? Raise your hand. Very good. Very good. So many children have done. So now we have to find number of children. Okay, number of children निकालोगे. Number of children will be equal to
टोटल आपके पास कितने थे? 1800 माइनस नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ लेडीज, नंबर ऑफ लेडीज दे वर 825. सबका 825 आ रहा है? यस यस. प्लीज ऐड इट, ऐड करके इसको माइनस करो एंड टेल मी व्हिच ऑप्शन. आंसर इज 275. माय आंसर इज 275. लेट अदर्स आल्सो डू बेटे. वन मिनट वेट करो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है आपको. 2 मिनट तो लगेंगे ना, क्योंकि करने से फिर आपको कंफर्म भी हो जाएगा और चेकिंग भी हो जाएगी कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है. जो एक बच्चा सबसे पहले रिस्पांस देता है ना, उसको भी बाकियों की वेट करनी है. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि यस मैंने बता दिया तो मैं ठीक ही हूँ. क्रॉस चेक करो बाकी बच्चों से, ठीक कर रहे हो या नहीं. ओके बच्चे, आई वेट फॉर 2 मिनट्स. जिस इसका 275 आ चुके हैं, रेज योर हैंड प्लीज. ओके, आई विल वेट फॉर 7D एंड बी. करो करो, वेरी गुड डी. ओके या वेरी गुड, काफी बच्चों ने हैंड रेज किए. बी सेक्शन आल्सो आई वांट टू सी. आई एम वेटिंग फॉर 7B एंड सी आल्सो. सेवन सी, सेवन बी में से करण ज्योत. 7B करण ज्योत, हैव यू डन बच्चा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लिया आपने? करण ज्योत इज प्रेजेंट, आगे आ जाओ. वेरी गुड, आगे आके बताओ मेरे को. यस यस यस, बताओ बेटे आपने कितना कर लिया? इसको प्लस किया आपने? कुछ तो किया होगा ना यहाँ पे, इसको प्लस किया आपने? यस, व्हाट इज कमिंग? 325. वेरी गुड, और फिर माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? या वेरी गुड, वेरी गुड. चल गो बैक. तो जब हम माइनस करेंगे आंसर विल बी 275. ओके, तो हमारी ऑप्शन मैच कर रही है डी. ओके, काफी बच्चों ने कर भी लिया था. गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द स्टेटमेंट इन योर शीट. जब मैं पढ़ूंगी आप भी साथ साथ लिपसिंग करके साथ साथ मेरी स्टेटमेंट रीड करोगे. ओके बच्चे, आपको अपनी रीडिंग से समझ आएगा ज्यादा, है ना. A 440 meter long road is being repaired. Repaired मतलब कोई उसका working का काम चल रहा था, road ठीक हो रही थी. तो road की लंबाई कितनी थी? 440 meters. Okay, this was the length of road. Then after one day, the workers had repaired 3/4 of the road. तो हमें ये पता चल गया कि 3/4 of 440 जो था वो repair हो चुका था next day. ठीक है, हमें तो अपने क्वेश्चन से मतलब है, हमें तो ये देखना है कि कितना पार्ट रोड का रिपेयर हुआ, उसका हमने वैल्यू निकालनी है कि कितनी लेंथ, 440 में से कितनी लेंथ रिपेयर हो चुकी थी. ओके, लेट अस फाइंड इट. व्हाट लेंथ ऑफ द रोड वाज लेफ्ट? दो चीजें हमारे, वी आर कंसर्निंग विद टू थिंग्स. एक हमें पता है कि रोड की लंबाई कितनी थी, एक हमें ये पता करना है कि उन्होंने कितना रिपेयर किया नेक्स्ट डे. फिर हमें पता करना है कि कितना लेफ्ट हुआ रोड, कितनी व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोड विच वॉज लेफ्ट. ओके बच्चे, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा. जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑफ के साइज को हमने चेंज करना है 440. बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, आपको दिख रहा है ये भी 4 है, ये भी 4 है, आप कैलकुलेट कर पाओगे इसको. ठीक है, आंसर इज 110 मीटर. 110 मीटर. हु इज टेलिंग? प्लीज स्टैंड and tell you section also. I want to see कौन से section से reply कर रहे हो. Okay, 7A में से. Okay, what is your good name बच्चे? Tell your name please. Gurkeras Singh. Okay, good. You're telling me all the answers generally, and I would suggest बच्चे Gurkeras Singh. Yes, you are doing very well. And better let we should wait for other children also to do. Okay. Q.
आई एम टेलिंग बिकॉज यू हैव टू ऑल ग्रो ग्रो टूगेदर, यू नो, सब बच्चों के साथ आपको चलना है. ओके, बाकी बच्चों को भी साथ साथ स्टेटमेंट रीड करने दो, अंडरस्टैंड करने दो. प्लीज सिट डाउन. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल. 330 मीटर्स आ रहे हैं और ये मीटर हमारे पास क्या चीज आई है, 330 मीटर हमारे पास जो लेंथ आई है वो क्या चीज है हमारे पास, रोड जो रिपेयर हुई है, रिपेयर्ड रोड. इतनी रोड हमारे पास रिपेयर हो गई है क्योंकि मैं बेटा देख रही हूँ काफी बच्चे ना नोट डाउन भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो उसको थोड़ा टाइम भी लगता है. दे आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, दे आर राइटिंग ऑल्सो, सो आई हैव टू वेट फॉर देम ऑल्सो बिकॉज दे हैव टू रिवाइज एट होम, है ना बच्चे. तो दिस इज गुड थिंग दैट यू आर नोटिंग इट एंड यू आर टू रिवाइज इट लेटर. बाद में भी जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे ऑफकोर्स ये क्वेश्चन रिवाइज करोगे तो आपको पता होना चाहिए. थोड़ा थोड़ा हिंट की फॉर्म में भी लिख लोगे तब भी चलेगा कि मैम ने ऐसे बताया था. ओके, रिपेयर रोड आपको पता चल गई. अभी हमने फाइंड आउट करनी है लेफ्ट रोड की, रोड बची कितनी है जो रिपेयर नहीं हुई. तो 440 माइनस 330, ये तो बहुत सिंपल है, सबको पता है, 110 मीटर. ठीक है, जब मैं स्टेप बाय सारे स्टेप्स आपको बताती हूँ ना साथ साथ में तो सब बच्चों को समझ आ जाता है, मेरे को डाउट नहीं रहता कि किसी को नहीं समझ आया. और काफी बच्चे दे आर राइटिंग ऑल्सो, आई एम हैप्पी टू सी बिकॉज दे वॉन्ट टू रिवाइज इट लेटर. और अभी भी किसी को डाउट है दे कैन स्टैंड एंड आस्क मी, क्वेश्चन नहीं समझ आया या आंसर नहीं समझ आया या कोई स्टेप नहीं समझ आया, प्लीज स्टैंड एंड आस्क नाउ. कोई है ऐसा बच्चा? ऑल राइट, चलो आगे चलते हैं. आगे है हमारे बेटा एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने कल किया था, थोड़ा और डिटेल में क्वेश्चंस होते हैं. आपको पता चलता है इसका कि कितना कंसेप्ट आपको समझ आया है. एसर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ, लेट अस सेट, या द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन. ये हमने कल भी किया था, कल मैंने बताया था आपको इसके बारे में. द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन. आप आपके पास दो प्रॉपर फ्रैक्शन है, सपोज 1/3 एंड 1/4 है, जब इनको आप प्रोडक्ट करोगे ना तो आंसर क्या आएगा, 1/12. आपको पता है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, तो आपके पास जो आंसर आता है वो उन दोनों से छोटा होता है, 1/3 से भी छोटा है और 1/4 से भी छोटा है. हाउ, किसको पता है ये चीज की हाँ ये छोटा है? डू यू अग्री, आपको डू यू हैव नॉलेज ऑफ दिस? ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि टू प्रॉपर फ्रैक्शंस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो उन दोनों से छोटा होता है. ओके, किसी को नहीं पता है, प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. कैसे? ओके, यू आर, या प्लीज स्टैंड. हाँ बताओ. बिकॉज इफ वी टर्न इट इन टू द डेसिमल फॉर्म द 12 विल बी लेसर देन द 0.3 एंड 0.4. या यू आर राइट, जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब होगा. दूसरी पहचान क्या है इसकी? And because in proper fractions the numerator is smaller than the denominator, that is why the product of two proper fractions is less than both. Very good. Okay, you are telling me in your own way. अगर हमने इसको quickly देखना हो, आपको पता है कि 3/3 जो होता है वो 4 से छोटा होता है, पता है ना आपको, normal number line पे हम करते हैं. तो जैसे मैं इसको 1/3 लिखूंगी और ये हमारा 1/4 से bigger बन जाएगा. ठीक है, तो हमारा जो नीचे वाला नंबर होता है ना, दैट यू शुड नो कि डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर अगर आ जाए ना तो वो फ्रैक्शन जो होता है वो बिगर बन जाता है. ओके, तो इसलिए 1/12 जो है वो तो इन दोनों से ही बड़ा है. 12 जो नंबर है 3 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है. जैसे मैंने इनको रिवर्स किया तो वो दोनों से ही छोटा बन गया. तो 1/12 जो पूरा नंबर है वो 1/3 से भी छोटा है और 1/12 से भी छोटा है. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू और फॉल्स? True. Yeah, very good. Reason, the product of two improper fraction is greater than the two fractions. For example, 5/2 into 7/3 is equal to 35/6. True. अब ये उल्टा हो रहा है.
कि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है दोनों से बिगर होता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन वो उससे मैच नहीं कर रहा। नीचे हमारे रीजन में इम्प्रॉपर की बात हो रही है और एसर्शन में प्रॉपर की बात हो रही है, ऑल दो दोनों ट्रू है, लेकिन हमारा किससे मैच करेगा, ऑप्शन से, बी ऑप्शन से मैच करेगा, ऑप्शन या वी ऑप्शन से। अब आपको अच्छे से पता चल गया कि हमने कौन सी ऑप्शन से मैच करना है। अगर दोनों रिलेटेड होते हैं तो हमने ए ऑप्शन करनी थी, ठीक है, दोनों मैचिंग नहीं है, ए में किसी और की बात हो रही है, रीजन में इम्प्रॉपर की बात हो रही है दूसरी काइंड ऑफ फ्रैक्शन के, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आएगी। चलो नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉपर एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, एंड ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो ट्रू, कि जब हमारे पास एक प्रॉपर आ जाए और एक इम्प्रॉपर आ जाए, 1/4 है इंटू 5/7 है, 5/3 है इम्प्रॉपर, एक प्रॉपर है और एक इम्प्रॉपर है, जब इनको हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 1/4 से बड़ा होगा और 5/3 से छोटा होगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, रीजन व्हेन अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ होल नंबर इट्स वैल्यू डिक्रीजेस, ऐसा होता है क्या, कोई भी फ्रैक्शन है इसको मैं होल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उसके वैल्यू क्या डिक्रीज हो जाएगी? नो, इट विल इंक्रीज, क्योंकि मेरे पास होल आ गया, होल नंबर जो होता है जब भी होल नंबर आ जाए वो उसको इंक्रीज करता है फ्रैक्शन को, 2 and 1/4, मैंने कल आपको बताया था बीच में एडिशन का साइन होता है, 2 + 1/4, प्लस मतलब 2 and something, इसका मतलब वो बिगर होगा, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो विच ऑप्शन इज मैचिंग बच्चे? एम्प्टी, सी, सी इज मैचिंग बिकॉज हमारा assertion is true and reason is false, हमारी सी ऑप्शन मैच करेगी। ओके, राइट, देन नेक्स्ट इज सेवेंथ क्वेश्चन, 3 / 1/2, थ्री, एक्सक्यूज मी मैम, फॉल्स, एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम, जो सिक्स तो फर्स्ट टेन है मैम, उसकी असर्शन रॉन्ग है या ट्रू है? Assertion is true, बच्चे. Assertion is true. Why? The product of a proper and an improper fraction is less than improper and greater than proper. This is true. अभी मैंने आपको reason बताया था कि 1/4 हमारे पास एक proper fraction है. इसको जब हम improper से multiply करेंगे, this is improper. ठीक है? जो answer आएगा 5/12 जो answer है, वो proper से बड़ा है और improper से छोटा है. ठीक है, 1/4 से यहाँ पे आएगा वो 5/12 जो है वो 1/4 और 5/3 के बीच में आएगा, ये नंबर प्रॉपर से बड़ा है और इम्प्रॉपर से छोटा है। ओके, सो दिस इज ट्रू। ओके, आगे चलिए बेटा। यस मैम। ओके, सेवेंथ इज 3 / 1/2 इज इक्वल टू 3/2, ऐसा होता है क्या, 3/2, इट इज लाइक दिस, 3 / 1/2, लेट मी आस्क, कि अभी आपका डिवीजन का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेट मी आस्क, सेवंथ ए में से, क्या नहीं आस्क दिलप्रीत, ए सेक्शन में से अभी मेरे को किसी ने नहीं बताया, दिलप्रीत प्लीज आगे आओ, सेवंथ ए, आर यू प्रेजेंट? यस, गुरकिरत जल्दी से मेरे को आंसर मत बता देना बेटा, आप सारे मेरे को फिर आंसर बता देते, फिर बाकी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कैसे। नो नो, गुरकिरत आपने नहीं बताना, आई एम आस्किंग दिलप्रीत, दिलप्रीत इज देयर, मैम ट्रू, दिलप्रीत कहाँ है, आई वांट टू सी हिम फर्स्ट, मैम ट्रू ट्रू, आई एम नॉट आस्किंग ट्रू और फॉल्स, मुझे दिलप्रीत को देखना है। यस, अभी दिलप्रीत मेरे सामने है, ही कैन टेल मी कि 3 / 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, क्या ये 3/2 होता है, इज इट ट्रू मैम? मैम नो, मैम फॉल्स। यस, व्हाई फॉल्स? ठीक है, बिल्कुल ठीक है मैम, क्योंकि हाँ हमने पहले पहले क्या, यस मैम, 3 को 2 से हमने डिवाइड किया मैम, नो, 3 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर 6 आ गया।
वेरी गुड वेरी गुड, मेरे को एक्सप्लेनेशन ही चाहिए थी आपकी. वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, प्लीज गो बैक. जाओ बच्चे, गो टू सीट. वेरी गुड. ठीक है, शुरू से ही मैं आपको ये बताती आ रही हूँ कि जैसे ही डिवीजन का साइन होएगा उसको पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेना है और उसके साथ के साथ इसको भी रिवर्स कर देना है. तो उसने हमें दोनों ही बता दिए, उसने मल्टीप्लाई भी बोल दिया, उसने ये भी बोला कि टू से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सिक्स, नॉट 3/2. सो दिस इज फॉल्स. ओके, रीजन इज व्हाइल डिवाइडिंग अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, प्लीज अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. व्हाइल डिवाइडिंग अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, अभी यही तो किया था हमने, होल नंबर था और ये फ्रैक्शन था. ठीक है, वी मल्टीप्लाई द होल नंबर विद रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर. इज इट क्लियर? ट्रू ट्रू, यस. जो जो अभी हमने किया उसी के बारे में इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ है उन्होंने. ठीक है, सो दिस इज ट्रू. तो हमारी कौन सी ऑप्शन मैच करेगी? बी, बी, बिकॉज असर्शन फॉल्स था और रीजन हमारा ट्रू हो गया. ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अगर ये थोड़ा सा पीछे से आके इसने आंसर ठीक बताया था तो इसका मतलब बाकी को भी समझ आ रहा है. ठीक है, अभी मैं सेवन सी में से शब्द को बुलाऊंगी. आर यू देयर बच्चे? शब्द बी रेडी? एब्सेंट, आई एम एब्सेंट. ओके एब्सेंट, चलो मैं दूसरे सेक्शन से बुलाती हूँ अभी, क्योंकि मेरे को थोड़ा और कंफर्म करना है किसको कितना समझ आया है. सेवंथ ई तरनदीप सिंह, सेवंथ ई तरनदीप, या आगे आ जाओ. अभी मैं पूछूंगी आपसे कौन सा क्वेश्चन मैं पूछना है, मैं बताती हूँ आपको. हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे साथ साथ में. केस स्टडी क्वेश्चन है बेटा. रीमा रेड 1/5 ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक. ठीक है, एक बुक थी रीमा के पास, उसने क्या किया, 1/5 ऑफ पेजेस उसने रीड किए. ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन की पहले समरी बनानी है, छोटा छोटा हम लिखते जाएंगे साथ साथ कि क्या बोल रहे हैं वो. इफ शी रेड फर्दर 40 pages, उसने 40 pages और पढ़ लिए प्लस 40. ठीक है, ये अभी हमारी समरी बन रही है क्वेश्चन की. ओके, शी वुड हैव रेड 7/10 ऑफ द पेजेस. अगर उसने प्लस 40 पढ़ लिए होते तो उसको कितने होते, 7/10 ऑफ बुक जो है उसने पढ़ ली है. दिस इज द नॉलेज दे हैव सेड. ठीक है, वी गेट जो भी उन्होंने बताया हमने इसको लिख लिया समरी फॉर्म में, अब इसको हम यूज करेंगे. हाउ मेनी टोटल पेजेस आर देयर इन द बुक. आपको पता है कि जब भी हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं हम एक्स से एक्सपोज करते हैं, जो भी चीज हमें नहीं पता होती उसको हम एक्सपोज कर लेते हैं. यू नो इट और नॉट? यस, रेज योर हैंड. यू नो, वेरिएबल हम ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, वहां से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है. ठीक है, तो लेट हम जो हमारी पेजेस है, हाउ मेनी टोटल पेजेस, लेट टोटल पेजेस भी, टोटल पेजेस इज इक्वल टू एक्स. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टोटल पेजेस आर देयर इन द बुक. ठीक है, टोटल पेजेस आपको फाइंड आउट करने हैं. टोटल पेजेस फाइंड आउट करने के लिए आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे लिखी थी इसको हमने यूज करना है. कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले उन्होंने बोला कि उसने 1/5 ऑफ पेजेस रीड किए थे. 1/5 किसके? बुक के. तो मैं इसको x बाय 5 लिख सकती हूँ. ठीक है, इसने x बाय 5 उसने रीड किए. फर्स्ट सेंटेंस हमें कह रहा है कि x बाय 5 उसने रीड किए. फिर सेकेंड सेंटेंस ने उन्हें उन्होंने बताया कि अगर उसने 40 पेजेस और पढ़े होते तो उसके कितना रिजल्ट होना था, 7/10 ऑफ टोटल. दिस स्टेटमेंट इज क्लियर? अगर ये चीज समझ आ गई है इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. एनी डाउट टिल हियर? यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो. I am explaining once again. First statement में उन्होंने बोला था कि उसने 1/5 of the pages जो है वो read किए. ठीक है, उसको मैंने x by 5 लिख लिया क्योंकि total pages मेरे पास x थे. ठीक है, फिर उन्होंने next sentence में बोला कि she read plus 40. She read 40 more. तो इसका मतलब कि मैंने plus 40 कर दिया. जब उसने plus 40 किया, 40 और पेजेस पढ़ लिए x by 5 के साथ, तो उसने कितने पेजेस पढ़ लिए, 7/10 ऑफ टोटल.
उससे हमारी ये स्टेटमेंट बन गई। टिल हियर इट इज फाइन, यस रेज योर हैंड, फिर हम आगे चलेंगे। वेरी गुड, ओके यहां तक हमारी स्टेटमेंट बन गई है। अब यहां से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने किसको आगे बुलाया था? सेवन, या प्लीज आगे आओ बेटे। आई वॉन्ट टू आस्क यू कि अभी हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। यस वेरी गुड, आंसर नहीं बताना मेरे को, एक्स की वैल्यू नहीं बतानी गुरकिरत, आंसर मत बताना आप, ठीक है? या प्लीज टेल मी, जिसको मैंने खड़ा किया है बच्चे को, प्लीज टेल मी बच्चे, इस स्टेप पे हमने आगे क्या करना है? मेरे को आंसर नहीं चाहिए अभी। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? सेवन थी, चलो इट्स ओके, मैं बताती हूँ आपको। एनीबडी फ्रॉम योर क्लास सेवंथ ई में से कैन आई आस्क, साक्षी, साक्षी इज एब्सेंट, ओके, वंशिका, यस आ गया हो इसको, हाँ बच्चे यू कैन गो बैक, है ना, आप सीट पे चलो, इसको अंडरस्टैंड करो कि वो क्या बताने वाली है। यस इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बेटा? एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक्स को एक साइड पे लेके आएंगे, ये भी एक्स वाला नंबर है, ये भी एक्स वाला नंबर है, उन दोनों को हमने एक साइड पे लेके आना है पहले, ओके okay? चलो गो बैक, इट्स ओके, मैं बता रही हूँ आपको, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। आई थिंक ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आ रहा है, तो इट्स ओके। आपको ये पता होना चाहिए बेटा, एक चीज तो आपको पता ही है, सिक्स में भी आपने किया है कि जिसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है उनको इकट्ठा कर लो एक साइड पे, ओके। एक्स बाय फाइव, इसको इधर ट्रांसपोज करो, सेवन बाय टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर्टी। मैंने क्या किया, एक्स वाला नंबर मैंने उठा के लेफ्ट साइड पे ले आई हूँ तो उसका साइन चेंज हो गया, और 40 जो कांस्टेंट था उसको उठा के राइट साइड पे ले गई, उसका भी साइन चेंज हो गया, ओके okay, आपको पता है कि इक्वल साइन से जब एक नंबर उठ के दूसरे साइड पे जाता है, राइट वाला नंबर अगर लेफ्ट पे जाएगा वो प्लस से माइनस बन जाएगा, अगर वो माइनस है तो माइनस से प्लस बन जाएगा, प्लस है तो प्लस से माइनस बन जाएगा। दिस स्टेप इज क्लियर, यहां तक समझ आ गया सबको? yes. वेरी गुड, लेट अस टेक द एलसीएम हियर, 10 इज द एलसीएम, ऊपर आएगा आपके पास 2x माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 40। एलसीएम लेना आपको आता है, आपने ऑलरेडी स्मॉल क्लास में किया हुआ है। इसके बाद मैं आई एम पुटिंग इट हियर, सो इट विल बी माइनस 5x अपॉन 10 इज इक्वल टू माइनस 40। वन थिंग मोर, आपको बहुत क्लियरली इस स्टेप में दिख रहा है कि दोनों साइड पे नेगेटिव साइन है, हम उसको पहले ही खत्म कर देते हैं, वी कैन कैंसिल नेगेटिव साइन फ्रॉम बोथ साइड ताकि वो हमें ट्रबल नहीं करे। जैसे जैसे माइनस सात में चलता जाएगा हमें थोड़ा मुश्किल दिखना शुरू हो जाएगा। लेट अस कैंसिल दिस फर्स्ट, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5x इज इक्वल टू 40 इंटू 10। आपको पता है जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे उस साइड पे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू नो दिस? Yes? Yes. Yes. Very good. So this is 400. Okay. So please tell me what is x. You can find out. Divide karke. Ma'am 80. Very good. Very good. Sabne calculate kar liya. Easy tha ye. 400 divided by 5. Sabko 5 ka table aata hai. So it is the answer. D option is matching. Chal, let's do second. What is the number of pages read by Reema? पहले तो उन्होंने पूछा था कि बुक में कितने पेजेस थे, अभी दे आर आस्किंग हाउ मेनी पेजेस शी रेड, कितने उसने रीड किए। अब हमने जो आंसर बताना है वो हमने बताना है 7/10 वाला, 7/10 वाला ऑफ टोटल, इसका आंसर बताना है बेटा, प्लीज रिमेम्बर।
आपको पता है सेकंड सेंटेंस में उन्होंने बोला था कि उसने 40 पेजेस और पढ़ लिए, तो हमने उसको कंसीडर करना है, 40 पेजेस और जो उसने पढ़े उसको उसको लेना है साथ में, ठीक है। तो हमें फ्रैक्शन पता है कि 7/10 ऑफ टोटल, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे लिखेंगे 7/10 ऑफ टोटल, टोटल हमारे पास कितना है 80। अभी अभी आपने कैलकुलेट किया ए पार्ट में, ए पार्ट में आपने कैलकुलेट किया कि बुक के कितने पेजेस थे, 80 पेजेस थे, तो हमने उसको यूज कर लिया सेकेंड पार्ट में। ओके आई नो यू कैन टेल दिस ऑल्सो, आपको कैलकुलेट करना आता है। सेवेंथ एफ में से आई वॉन्ट टू आस्क युवराज सिंह, सेवेंथ एफ युवराज इज प्रेजेंट, ओके गुड, आगे आ जाओ, वेरी गुड, Yes, present. या प्लीज आगे आ जाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। इजी कैलकुलेशन है ये, मेरे को यहीं पे ही बता सकते हो आप, ऑफ है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन आएगा, हम तो ये कल से ही करते आ रहे हैं, है ना, कुछ दिक्कत नहीं है। 56. 56, वेरी गुड, 0 0 कैंसिल हो गया, 7 8 56, 56 इज द आंसर, एंड आपकी ऑप्शन मैच कर रही है सी, वेरी गुड, गो बैक। के बच्चे नोट कर रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर देम, वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पेजेस आर लेफ्ट। अब हमने लेफ्ट की बात करनी है, अभी लेफ्ट है तो आपको तो बहुत ही इजी है ये, तो आपके पास टोटल आपके पास कितने थे, 80, टोटल आपके पास 80 थे पेजेस, और उसने रीड कितने किए, 56, अभी अभी आपने निकाला सेकंड पार्ट में, ठीक है, तो उसके लेफ्ट पेजेस कितने हुए, लेफ्ट पेजेस, अभी मैं फ्रैक्शन नहीं पूछ रही हूं, मैं कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ रही हूँ, ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये नंबर्स हैं, सबने कैलकुलेट कर लिया, व्हाट इज दिस, 24, आपने माइनस 50 को, यस वेरी गुड, 80 माइनस 56 इज इक्वल टू 24, मैम आंसर इज 3/10. ये गुरकीरत ने बोला है, हाँ नो अभी किसने बोला है, रेज योर हैंड, उसके फ्रेंड ने बोला है, गुरकीरत के फ्रेंड ने बोला है, बिल्कुल पास ही बैठे उसके, है ना बेटा, मैंने पहले ही बोला था आपने आंसर सबसे पहले नहीं बोलना, और अभी तो मेरा क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ, आपने आंसर भी बता दिया, दिस इज रॉन्ग, इतनी भागने की जल्दी मत करो, क्योंकि आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है, जब आप जल्दी में करते हो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है, अभी तो मैं खड़ी हूँ आपको बताने के लिए राइट है या रॉन्ग है, बट एग्जाम में कौन बताएगा आपको, तो वो रॉन्ग भी हो सकता है, करने के बाद उसको रीचेक भी करो, ओके बेटा, इन द मीन टाइम बाकी बच्चे करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट पेजेस हमारे पास आए हैं 24, लेकिन आपने क्या निकालना है, फ्रैक्शन, 24 तो हमारा आंसर नहीं है, उन्होंने तो हमारे से फ्रैक्शन पूछा था कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पेजेस आर लेफ्ट, ठीक है, तो अभी हमें लेफ्ट का नंबर पता है लेकिन हमने निकालना है उसका फ्रैक्शन, तो हम निकालेंगे फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना आएगा, 24 आउट ऑफ 80, 24 लेफ्ट थे टोटल 80 थे, तो 24 आउट ऑफ 80 जो नंबर आएगा वो हमारे पास फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, इसको हम कट करेंगे और इसको आंसर निकालेंगे, 8 3s are 24 एंड 8 10s are 80, 3/10, ठीक है, सो आंसर इज हमारा फ्रैक्शन आ रहा है 3/10, बी ऑप्शन इज मैचिंग, है ना बेटा, बेटा एग्जाम में ना आपके पास वो फ्रैक्शन ऐसे लिखा होता है, 3/10 लिखा होता है, जब प्रिंटिंग होती है ना कंप्यूटर पे तो ऐसे वाला आता है आपका फ्रैक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसे लिखा होता है तो फर्स्ट नंबर हमारा न्यूमिरेटर होता है, सेकंड नंबर डिनोमिनेटर होता है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, अभी आप बड़े हो रहे हो, थोड़ी थोड़ी न्यू चीजें भी सीखनी है, 3/10 ऐसी फॉर्म में अगर नहीं है, अगर इस फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि विच इज न्यूमिरेटर एंड विच इज डिनोमिनेटर, ओके बेटा, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन हमने कैसे निकाला,
No. Very good. Next question is, how many pages Reema has not read? 34. Very good. वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं. ये क्वेश्चन पहले आना चाहिए था. क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन थर्ड नंबर पे आना चाहिए था और थर्ड वाला फोर्थ पे आना चाहिए था, है ना? तो चलो कोई बात नहीं, इट हैपेंस कि आपने पहले ही आंसर निकाल लिया था और उसी को आपने यूज कर लिया फोर्थ में. बेस्ट पार्ट पर क्या है कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है. बेस्ट पार्ट मेरे को ये लग रहा है बेटा, यू आर अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट में पूछा क्या गया है. दैट इज गुड पार्ट. क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन की बात नहीं है, दो क्वेश्चन की बात नहीं है. अगर आपका यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, आपकी हैबिट बन जाएगी कि उसको छोटी छोटी स्टेटमेंट को पार्ट्स में पढ़ के हमने अंडरस्टैंड करना है, देन इट इज अ वेरी गुड हैबिट. क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन तो आपके एवरी क्लास में आने हैं, धीरे धीरे साइंस में भी आएंगे आपके, जिनको न्यूमेरिकल्स बोलते हैं. ओके बेटा, तो कैसे आपकी यूज होने वाला मैथ्स सब जगह वो आपको पता होना चाहिए. ओके तो अब आपका बेटा ये चीज आपकी क्लैरिटी हो गई. वन थिंग इज वेरी मच क्लियर. मैं अभी थोड़े से बच्चों को आगे बुलाऊंगी पूछने के लिए कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, मैंने बोला है कि आपके पास थ्री जो है, थ्री अपॉन फाइव ऑफ 56, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? अभी सारे नहीं बोलेंगे. आई वॉन्ट टू आस्क, आई वॉन्ट टू कॉल द चिल्ड्रन, मन्नत ऑफ 7G. अब छोटी छोटी मेरे को बेसिक चीजें देखनी है कि आपको समझ आई है या नहीं है. क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे. 7G, आर यू देयर मन्नत? बस मेरे को आंसर नहीं बताना. मैम ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 56. वेरी गुड, प्लीज गो बैक. वेरी गुड, इसका मतलब आपने उसको काटना है और सॉल्व करना है जो भी आंसर आएगा. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि ये आपकी लास्ट वर्कशीट है अभी फ्रैक्शन की. अब आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए. 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2. चल मैं आंसर सबने नहीं बताना, मैं अपने बच्चों को बुलाऊंगी. सूरज ऑफ 7F, 7F सूरज. वेरी गुड, आगे आओ. आंसर नहीं बताना, सिर्फ मेरे को इसका नेक्स्ट स्टेप बताना है कि क्या होगा. यस यस, माइक के पास आओ बेटे. यस टेल मी व्हाट वुड यू राइट. 3/4 multiply by 1. I can't hear you. थोड़ा पास होके बोलो. मल्टीप्लाई बाय 2, इज इट? यही बोल रहे हो आप? रेज योर हैंड बेटे, आपने यही बोला? यस सर. यस, ओके, गुड गुड. आपको पता चल गया कि यस. प्लीज गो बैक बच्चे. आपको ये पता चल गया कि जब डिवीजन का साइन होता है तो उसको मल्टीप्लीकेशन के साइन में चेंज किया और साथ के साथ उसको रिवर्स कर दिया 2 को, राइट? ओके, देन वन मोर. आई वॉन्ट टू कॉल फ्रॉम अदर सेक्शन 7D में से वीरेंद्र सिंह. 7D वीरेंद्र सिंह, आर यू देयर? यस मैम. हाँ, प्लीज टेल मी 5 डिवाइडेड बाय 1/2, हाउ विल यू सॉल्व इट? इसको कैसे लिखोगे? आंसर नहीं बताना, इसका नेक्स्ट स्टेप बताओ. सोच लो, कोई बात नहीं, टिल देयर इज टाइम. न्यूमिरेटर में 5 है और डिनोमिनेटर में 1/2 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 1/2, यही मतलब हुआ ना इसका? मैम यस. हाँ, अब बताओ क्या होगा. यस, इसको कैसे लिखें आगे? नेक्स्ट स्टेप बताओ इसका. मैम इसके आगे 5 मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा.
फाइव मल्टीप्लाई वन बाय टू आ जाएगा. आपने बोला फाइव मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे तो चेंज ही नहीं किया, वन बाय टू का वन बाय टू लिख दिया, क्या वो ठीक है? मैम नो. क्या आना चाहिए यहाँ पे? मैम फाइव मल्टीप्लाई वन बाय टू को रिवर्स करके जो आएगा टू बाय वन. यस, वही तो आपने बताना है, यहाँ पे टू आएगा, फाइव इंटू टू, टू बाय वन, यही मैंने पूछना था आपसे कि जैसे ही आपने डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया उसको नंबर को रिवर्स भी करना है साथ के साथ. या वेरी गुड, प्लीज गो बैक. बिल्कुल ठीक बताया आपने, चलो सीट पे. ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर तो आप निकाल ही लोगे, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर बस चाहिए, है ना बेटा? तो आपकी फ्रैक्शन की बेटा ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, टुमारो वी विल बी डूइंग डेसिमल्स की वर्कशीट. ओके, तो दैट इज ऑल्सो, वो भी फ्रैक्शन की तरह ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस हमने ध्यान देना कि वो पॉइंट कहाँ पे लगाना है. ओके बेटा, चलो ऑल द बेस्ट, प्लीज रिवाइज योर वर्कशीट. ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय. बाय मैम, हैव अ नाइस डे. And thanks for teaching us. Thanks for teaching us. Bye, ma'am.